नीतीश कुमार जी की सरकार में पेपर लीक किया जा रहा है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, ये बहुत गलत चीज है। यहाँ पे ये सब चीज पे रोक लगना चाहिए, स्टूडेंट के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। और जिनको नौकरी देने का वादा किए थे नीतीश कुमार, वो नौकरी नहीं दे रहे हैं, उन पे कार्रवाई करना चाहिए। और आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं बिहार के, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि बिहार का पहले से नाम खराब है शिक्षा में, पहले भी लीक हुआ है पेपर, दोबारा ये सब चीज नहीं होना चाहिए। इस चीज पे नीतीश कुमार और विजय कुमार चौधरी जी को ध्यान देना चाहिए और स्टूडेंट के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। आज बिहार में एसटीडी जो परीक्षा है उसमें घोटाला जो हुआ है आप देख सकते हैं। इससे पूर्व में भी बिहार में एक ही कॉलेज के सारे लड़के टॉप कर गए थे। इससे पूर्व में भी सनी लियोन जैसी एक्ट्रेस यहाँ आके पास हो जाती है। आज ये क्या हुआ, मलयालम की हीरोइन आके बिहार से पास कर जा रही है। 15 साल 17 साल का जो ये कार्यकाल है नीतीश कुमार जी का, निश्चित तौर से सारा स्थिति जो इनका है शिक्षा के केंद्र में घोटाले में पूरा भ्रष्ट है। ये शिक्षा का जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं आदरणीय अभी हमारे विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ छल किया जा रहा है, उनके रिजल्ट को उल्टा पुल्टा किया जा रहा है, आज तक शिक्षा में जो बिहार को उन्नति मिलना चाहिए था आज तक नीतीश कुमार के राज्य में नहीं मिला है। इससे बिहार का भविष्य अंधकार में जा रहा है।